हाय स्टूडेंट्स, प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, मज़े में हैं, है ना? चलिए, हम लोग देखे थे पिछले क्लास में इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म वन इंट डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन डी एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्म का इंटीग्रेशन हम लोग देखे थे। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं अगर इस पर रूट हो तब कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, दैट मीन्स इस तीनों फॉर्म का इंटीग्रेशन हम लोगों को सीखना है और इसके फॉर्मूला को आना चाहिए हम लोगों को। चलिए पहले फर्स्ट से उठाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, पहले सेकेंड वाले की बात करते हैं। हम लोगों को पता है, ध्यान दीजिएगा, ये पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? कॉस। डी बाई एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? जल्दी बोलिए, वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा पढ़े थे। उसी तरह से अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर रहे तब इसका क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ऐसा होगा ना? अच्छा, अब देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन है डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। तब इसको क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर निकाल लिए कॉमन, ए स्क्वायर जब कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ऐसा बचेगा। यहां से ए बाहर आ जाएगा, ए जब बाहर आ जाएगा क्या हो जाएगा? वन बाय ए। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स बाय ए का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया। तब देखिए डी एक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स, तो इसका भी क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बाय ए। अच्छा, देखिए वन बाय ए इंटू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बाय ए, बाय क्या हो जाएगा? तो एक्स के साथ गुना है वन बाय ए, तो वन बाय ए से डिवाइड करना होगा, तो बाय वन बाय ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। अच्छा, अब देखिए ये वन बाय ए ऊपर जाएगा तो ये ए ए कैंसिल, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, बन गया हमारा क्वेश्चन। अरे बात समझ में, तब याद रखना है हम लोगों को, इसको मिटा दे रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलिए, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ठीक है, पहला खत्म, दैट मीन्स इसको हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे अगर क्वेश्चंस को बनाना पड़े तो बनाना कैसे है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय आपके पास दिया गया है रूट अंडर फोर प्लस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सपोज दैट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? इसको इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय रूट अंडर जो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको हमेशा पॉजिटिव बना के रखना है ताकि कंप्लीट स्क्वायर बना सके। इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो कांस्टेंट वाला टर्म को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से माइनस निकाल ले रहे हैं कॉमन, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, ऐसा आ गया। अब इस पार्ट को हम लोगों को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय रूट अंडर फोर माइनस, क्या लिख सकते हैं इसको? एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू टू इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो माइनस फोर एक्स प्लस टू स्क्वायर कर दिए, तो टू स्क्वायर तो है नहीं, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस टू स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। फिर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? डी एक्स बाय रूट अंडर, अब यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये क्या है? एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? फोर माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस फोर, अच्छा ऐसा हो गया। फिर जब इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय क्या होगा? रूट अंडर एट माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। फॉर्मूला के हिसाब से ए स्क्वायर होना चाहिए, दैट मीन्स ये भी स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, तो ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय रूट अंडर एट को क्या लिख सकते हैं? टू रूट टू का होल स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए अगर लीनियर है तो फॉर्मूला काम करेगा। अच्छा तो डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, इसका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस टू बाई टू रूट टू प्लस सी, बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अच्छा पिछले वाला जैसा ही, हाँ पिछले वाला जैसा ही है, पिछले वाला में हम लोग कंप्लीट स्क्वायर बना के सॉल्व कर देते थे, यहाँ भी कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने से फॉर्मूला पर आ जाता है, तो हाँ बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज है। ओके अच्छा तो अब दूसरा देखते हैं क्या है, इसको मिटा दे रहे हैं हम। दूसरा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। ओके क्या करना चाहिए हम लोगों को, यहाँ क्या करना चाहिए, तो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे कि अगर कभी सब्स्टिट्यूशन का फॉर्म आए तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो ये किससे आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा होता क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के जगह रहे तो क्या रखना चाहिए, जल्दी से बोलिए, या तो ए टेन थीटा रखना चाहिए या ए कॉट थीटा पुट अप करना चाहिए। तो मान लेते हैं लेट एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा ही मान लेते हैं, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स बाई ए क्या हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स बाई ए। अच्छा तो एक्स बाई ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, ठीक है, या डी बाई डी थीटा, चलिए डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स बाई ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा। अच्छा अब यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट है तो ए बाहर आ जाएगा या इसके साथ एक गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा ऐसा बन गया है, तो यहाँ से डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस इंटीग्रेशन को देखें तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स को क्या लिखेंगे, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय, अब देखिए एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए टेन थीटा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर पहले से ही है, ए स्क्वायर प्लस एक्स को क्या लिखेंगे, ए टेन थीटा, तो उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ए स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ए, ये क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अच्छा ए ए कैंसिल तो क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा, सेक थीटा का इंटीग्रेशन पता हम लोगों को क्या होता है, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कॉन्स्टेंट सी। अच्छा अब यहाँ से टेन थीटा पता है हम लोगों को क्या होगा, एक्स बाई ए, अच्छा पता है हम लोगों को सेक थीटा क्या होगा, एक्स बाई ए। अब यहाँ से देखें तो सेक थीटा को ये क्या है, ये एच बाई बी है ना। अच्छा तो लॉग ऑफ, उस हिसाब से देखें तो पी हो गया एक्स और बी हो गया ए, पी बाई बी होगा, ये क्या होगा, h बाई बी। अच्छा तो h क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चूंकि रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बाई क्या, b क्या होगा, a। अच्छा प्लस टेन थीटा क्या होगा, x बाई ए, तो प्लस x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट c। अब इसको देखे तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट सी, ऐसा होगा। अब देखिए अब ये डिवाइड में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में जब होगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए माइनस लॉग ए प्लस सी ये एक कॉन्स्टेंट फिर से बन जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग
या डायरेक्ट सी लिख सकते हैं, माइनस लॉग ए प्लस सी क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट सी लिख सकते हैं। अरे बात समझ में, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ऐसा कर दे ताकि दिखे आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस या प्लस सी, ये बन गया हमारा। अरे बस समझ में, तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ जाता है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा क्या हो गया हमारे पास फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, ठीक है, या इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय, ध्यान दीजिएगा इसको मिटा दे रहे हैं हम, डी एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे, तब क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ, ये सीख चुके हैं हम लोग, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी, बन गया हमारा, ठीक है। चलिए दो फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, एक तीसरा क्या बचा है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता तो क्या होता, ठीक है, उसके पहले एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और प्लस यहां पर है मान लीजिए 2, ठीक है, इसको सॉल्व करना है हम लोगों, तो क्या करते हैं देखिए, डी एक्स बाय क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो बोले थे ना एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहां तो पॉजिटिव है ही, इसको क्या लिख सकते हैं डी एक्स बाय रूट अंडर, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बाय 2 इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, ये एक्स बन गया, प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग हाफ का स्क्वायर। अच्छा, अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस हाफ का स्क्वायर, अच्छा प्लस क्या हो गया 2, ऐसा होगा। अब जब सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय रूट अंडर, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ये कितना हो गया 2 माइनस 1 बाय 4, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। अच्छा, तब देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय रूट अंडर, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, है ना, और ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 7 बाय 4, तो 7 बाय 4 को क्या लिख सकते हैं रूट 7 बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखें यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला क्या है, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस, तो एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या होगा एक्स प्लस हाफ प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये खुद, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस रूट 7 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस सी, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब ये था, ये था, और ये था, क्योंकि इससे तो कुछ बाहर आया नहीं, इसका मतलब जब इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो ये फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस हाफ प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी, ठीक है, बन गया हमारा क्वेश्चन, ओके, समझ में आ चुका है। तो आप देख रहे हैं कि अच्छा, ये भी उसी तरीके से बनेगा, किससे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर करो बाद में फॉर्मूला पुट कर दो, हाँ बिल्कुल आसान है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करो फॉर्मूला पर पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक और पार्ट है, इसको देखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तब क्या करना है, देखते हैं। तो ये हो चुका है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा है, क्या है, डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, क्या करना चाहिए,
तो हम लोगों को पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ये किसका फॉर्म है? तो हम लोगों को पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा, वहाँ से बन रहा है ये। फिर दूसरा देखिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होगा? टेन थीटा होगा, यहाँ से बन रहा है। इसका मतलब एक्स के जगह हम लोगों को क्या रखना चाहिए? जल्दी से बोलिए, एक्स के जगह हम लोगों को रखना चाहिए सेक थीटा। क्या? चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्म बनेगा, इसका मतलब हम लोगों को करना चाहिए कि लेट एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा। ठीक है, तो देयर फोर सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स बाय ए। एक्स बाय का मतलब क्या हो गया? ये एच बाय बी है। क्या है ये? एच बाई बी है। अच्छा, अब यहाँ से अगर इन डिफ्रेंशिएट करें तो डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स बाई ए, यहाँ क्या हो जाएगा? डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा। तो ये फिर बन जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, क्या होगा? सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये हो जाएगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब यहाँ से देखें, इस इंटीग्रेशन को अगर देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स को क्या लिख सकते हैं? ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। डी एक्स को यहाँ से लिख सकते हैं बाय क्या हो गया? रूट अंडर क्या? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स के जगह क्या लिखेंगे? ए सेक थीटा। क्या हो जाएगा ये? ए सेक थीटा का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा होगा। अच्छा, फिर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, दोनों से ए स्क्वायर है तो ए बाहर, तो यहाँ हो गया आपका ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा बाय, तो ए बाहर। अच्छा, ए बाहर तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा, तो उसका टेन थीटा बाहर। अच्छा, इस फॉर्म में आ चुका है। फिर यहाँ से क्या होगा हमारा? टेन थीटा कैंसिल, ए और ए कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास? तो हमारे पास बचा सेक थीटा और डी थीटा। अच्छा, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा, सॉरी सेक थीटा डी थीटा बचा, तो सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कॉन्स्टेंट सी। फिर यहाँ से लॉग ऑफ सेक थीटा की जगह क्या होगा? तो सेक थीटा की जगह तो एक्स बाई ए होगा। अच्छा, एक्स बाय ए प्लस टेन थीटा क्या होगा? पी बाई बी। इस पर क्या होगा? पी बाई बी। तो ये तो एच है और ये क्या है? बी है। अच्छा, तो पी क्या रहा होगा? तो पी रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहा होगा, तो क्या रहा होगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बाय बी क्या रहा होगा? ए। अच्छा, इस फॉर्म में बना, प्लस हो गया हमारा सी। ओके, अब आगे बढ़ें तो ये क्या होगा? लॉग ऑफ, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। फिर इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। फिर ये दोनों मिलके कॉन्स्टेंट सी बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर घुमा दे रहा, दिख नहीं रहा है ना? ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। दैट मीन्स अभी जो फॉर्मूला देखे थे जस्ट उसी के जैसा है, सिर्फ यहाँ पर क्या हो जा रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब एक साथ सारा फॉर्मूला लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम सारे फॉर्मूला को एक साथ लिख रहे हैं। ठीक है, क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ये इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, मिटा दे रहे कोई बात नहीं, अभी तो देख ही चुके हैं, अब एक साथ देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो ये पता है कि अच्छा साइन इनवर्स एक्स होता है रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे याद रखेंगे? अच्छा, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो होता है वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये तो रटा चुका होता है आप लोगों को। तो ये उसी का फॉर्म का है, इसका मतलब इसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, दूसरा देखना है कि अगर डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तब क्या हो जाएगा? तब इसका हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस
प्लस सी होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। फिर अगर देखें कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय, ध्यान दीजिएगा, डी एक्स बाय रूट अंडर अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे, चूंकि माइनस में कोई भी, सॉरी प्लस में कोई भी पहले रहे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी, ठीक है, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। बनाना कैसे है तो हम लोग देख चुके हैं, बनाएंगे कैसे, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके बनाना है, ठीक है। अब देखिए अगर ये कभी डायरेक्ट नहीं रहेगा तो दूसरा फॉर्म क्या होगा इसका, अगर इस फॉर्म में नहीं रहे, इसके सवाल को बताने का जरूरत नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा, क्या बोलते हैं, हाँ क्या, ठीक है बन जाएगा। अब इसके दूसरे फॉर्म को देखते हैं, अगर मान लीजिए कि कभी आपके पास ऐसा होता, ये जो अभी बताया ये डी एक्स बाय रूट अंडर क्वाड्रेटिक था, क्या था ये डी एक्स बाय रूट अंडर क्वाड्रेटिक है, दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है इसका, तो जब डी एक्स बाय क्वाड्रेटिक रहेगा इसको बनाने का इसको तरीका क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर ये तरीका है इसका। दूसरा सवाल क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर बाय रूट अंडर क्वाड्रेटिक हो सकता है, ठीक है डी एक्स। एक और देखा जाए दूसरा पार्ट और करके लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक बाय रूट अंडर क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, ठीक है डी एक्स, ऐसा भी हो सकता है। पहले हम इसको देखेंगे बाद में, पहले हम इसको देख रहे हैं कि अगर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक रहे तब क्या होगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन रहेगा इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, सपोज दैट ऐसा है, ठीक है क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि ये देखना है कि इसका जो रूट अंडर में जो है उसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस 2, ठीक है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस 2। तो पहले इसके डेरिवेटिव के फॉर्म में इसको अरेंज करना है हम लोगों को, तो देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 लिख लिए, लेकिन है क्या यहाँ पर 4x, तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये हो गया 4x प्लस 4, लेकिन है तो 3, क्या करना पड़ेगा माइनस 3 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx, ऐसा हो गया। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx, ऐसा हो जाएगा। फिर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनाएंगे। इसको किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए रूट एफ एक्स बाय, हम लोगों को पता है इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, डी एक्स बाय रूट एक्स, डी एक्स बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2√x, 2√x प्लस सी, पढ़े हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x प्लस सी। अगर उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाय रूट एफ एक्स रहे डी एक्स, इसका क्या होगा, 2√fx प्लस सी, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 तो पहले से है तो 2√fx होता है, 2√fx, तो fx की जगह ये है, क्या हो जाएगा, 2√x² प्लस 2x प्लस 2 माइनस, इसको क्या करना है, तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से बना देंगे। किससे बनाएंगे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर अप्लाई करें तो 3 बाय रूट अंडर, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। फिर अगर आगे तोड़े तो देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आगे अगर तोड़े हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस सी भी है, चूँकि एक इंटीग्रेट हो गया तो प्लस सी आएगा, तो ये हो गया 4√x² प्लस 2x प्लस 2,
माइनस, अब देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो थ्री इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस, तो एक्स की जगह एक्स प्लस वन प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। अब इसको तोड़ देना है, तोड़ देंगे तो ऐसा ही बन जाएगा। आ रही बात समझ में? बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब फिर कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे, ठीक है, जब कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे तो और भी कुछ समझ में आएगा। उसके पहले हम लोग जो आपका 7.2 तक बता चुके हैं 7.3 को सॉल्व करेंगे, ओके। फिर कुछ और थ्योरी होगा, अब बने रहिए मेरे साथ। इंटीग्रेशन आप 12th में तो नहीं छूटेगा, हम कम्पिटिटिव बैच जब स्टार्ट करेंगे तो उसके इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड अलग होगा, ठीक है। कंप्लीट सेटअप बिल्कुल बहुत जल्द तैयार हो जाएगा, जिसके बाद कि सारा कुछ हमारा सही से चलेगा। बस जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए, और हाँ, अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, उस वीडियो में हम लोग पहले 7.3 का सॉल्यूशन देखेंगे, फिर आगे कंसेप्ट को सीखेंगे, ठीक है। चलिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।